चक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्य वज्रं गर्णेभि शृणु यमद् ृदेशेमहितेवहितं जदायोः सतमिन्नु शरान शुक्राजरसं तनूनां पुनराजोजदरपितरुभवन्तिर्जातमभिजनिर्मौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः जय श्री राम 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 गूंज रहा है तीन ही नाम जोगी मोदी जय श्री राम गूंज रहा है तीन ही नाम जोगी मोदी जय श्री राम गूंज रहा है तीन ही नाम जोगी मोदी जय श्री राम संत और इसको मिठाई खिला के सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या बात है। देखिए, वैश्विक महामारी COVID-19 के संकट काल के बाद भी यह जो है सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, यह बहुत बड़ा चमत्कार है और यह एक नए दौर की शुरुआत है। यह इतना सुंदर बजट आया है कि हर वर्ग का ध्यान दिया गया। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है। हम सभी साधु संत धर्माचार्य बाकी जितने राष्ट्रवादी लोग हैं सब लोग खुशी मना रहे हैं और यहाँ तक कि जो विपक्षी लोग खंजर छुपा के बैठे थे उनका खंजर निकल नहीं पाया, बाद में भले बक बक करते रहे हो जो देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं, लेकिन जितने देशभक्त हैं इस बजट से सब लोगों को एक नई उम्मीद जग गई है। इसमें किसानों का विशेष ध्यान दिया गया, इसमें जो है महिलाओं के सम्मान की भी विशेष ध्यान दिया गया, इसमें जो है सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, व्यापार पर ध्यान दिया गया, देश की अर्थव्यवस्था को ये जो है निश्चित रूप से पटरी पर आ गई है और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, आज पूरे विश्व में इस COVID-19 के कारण जो तमाम विकसित राष्ट्र थे वो 10 साल पीछे ढकेल गए, लेकिन हमारा देश भारत ये मोदी जी की कुशल नेतृत्व के कारण आज जो है हमारा देश का आज बजट ये साबित कर दिया है कि भारत कितना सशक्त हो गया है, भारत कितना मजबूत हो गया है। इतनी विपत्ति के बाद भी आज का बजट ये साबित कर दिया कि पूरी दुनिया में ये जो भारत का बजट आया है एक चमत्कार से कम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भगवान की कृपा है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विदेशी मुगल आक्रांताओं के कारण, ब्रिटिश शासन के कारण और ये कांग्रेसियों के कारण जो हमारा देश पीछे चला गया था, आज से एक नए दौर की शुरुआत हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत फिर से नया इतिहास लिखने जा रहा है। आज पूरा देश झूम रहा है, गली गली में, गांव गांव, शहर शहर में लोग उत्सव मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। हम साधु संत धर्माचार्य, हम लोगों को जब देश हित में कोई काम होता है तो हम लोगों की होली और दिवाली जैसा महोत्सव हो जाता है। आज इस बजट को देख करके ऐसा लगा कि वास्तव में अब हमारा देश बदल चुका है, इसलिए मिठाइयां बांट करके हम सब लोग मोदी जी को धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि 10 साल तक सभी जो है सत्ता विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ रहेगा, केवल भाजपा का परचम लहराएगा।